रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज गर्मी जी हद से ज़्यादा है। देखिए जी, पसीना अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। तकरीबन 15 मिनट आज पहले ही आ गया था बाहर। सुबह तो वैसे भी आया था, फिर नाश्ता करने गया, फिर आ गया था जल्दी। मैंने बोला घर वैसे भी गर्मी है तो बाहर चल के क्यों ना वीडियो को एडिटिंग तो मैंने कर लिया था घर ही। मैंने बोला क्यों ना बाहर चल के अपलोडिंग करते हैं, तो अभी अपलोडिंग किया तो बस क्या बताऊं। लेकिन मैं पिछले तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूं कि वो आ जाएं, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो खैर, मैं उठा था उनको देखने के लिए, वीडियो भी बना रहा था अभी, लेकिन कुछ गांव वाले जो जा रहे थे, मतलब औरतें, घर की गाँव की औरतें जो जा रही थी काम करने के लिए, इसलिए मैं फिर से बैठ गया। मैंने बोला अच्छी बात नहीं है। सूरज कहाँ पर पहुँच गया है, 7 बज चुके हैं और आसमान आज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गांव वाले यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन अभी बारिशों की वजह से वो बिल्कुल ही उनके घर के नज़दीक से ही गुजरते हैं। बीच से नहर है, नहर के इस साइड से जो रास्ता बना हुआ है वहीं से गुजर के फिर उधर अपने खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। खैर, अभी तक वो भी नहीं आए, बैठा हुआ था। मैं फिर से जाता हूँ आगे, और धूप आज काफ़ी निकली हुई है, गर्मी भी आज हद से ज़्यादा है। तो आज का दिन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा सिस्टम निकलना रहा है, लकड़ी है यहाँ पर भी निकल आए ताकि बंदा बैठने में आसानी हो जाए बंदों के लिए। ये देखें जी, अभी हमारी गैंग सारी बैठी हुई है मछलियाँ मारने में मसरूफ़, और ये हमने मछली मारी है आज। आज पानी बहुत कम है इसलिए मछली ज़्यादा मर रही है। ये देखें जी, अभी हमारी गैंग सारी बैठी हुई है मछलियाँ मारने में मसरूफ़, और ये हमने मछली मारी है आज। आज पानी बहुत कम है इसलिए मछली ज़्यादा मर रही है। गर्मी हद से ज़्यादा है और मैंने कपड़ों के साथ ही नहाया हुआ है, क्योंकि गर्मी में बंदा जो नहीं रह सकता, अगर नहा भी ले फिर भी गर्मी जो है वो लग जाती है, इसलिए कपड़ों के साथ नहाना बेहतर है। तो बाहर बंदे बैठे हुए, बाल वालों ने, गुलाम वालों ने मुझे कॉल किए, वो सामने बैठे हुए, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप भी आ जाएं, यहाँ पर सुकून है। मैंने बोला ठीक है, आ जाता हूँ। अभी वापस जा रहा हूँ घर, वो वहाँ पर बैठे हुए लोग, वहाँ पर हम शुरू में इब्तदा में हम वहाँ पर बैठे थे क्योंकि वहाँ बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, फिर हम बच्चों की छुट्टी हुई तो फिर हम वहाँ पर गए। अभी मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि अजानें होने वाली हैं, कपड़े चेंज करने हैं, वो वाले पहनने हैं, कपड़े अच्छी बात नहीं है। तो घर जाके खाना भी खाना है, अभी थोड़ी देर में बस पहुंचने वाला हूँ, सामने ही घर। ये जी बच्चे आ गए। मैं घर गया था तो खाना जो है वो तैयार नहीं था, इसलिए ऐसे ही आ गया। मैंने सोचा अभी आसान हो जाए, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, तो ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है। खैर, सालन तैयार नहीं था, खाना वैसे तैयार था, रोटी तैयार थी, लेकिन सालन तैयार नहीं थी। वही आसान भी यहाँ पर होने वाली है, बस थोड़ी देर में हो जाएगी। अभी हम जी शरबत बना रहे हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत है, गर्मी का हाल ये है। और भाई ये लाए हैं पापुड़े, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, एक दिखाओ। ये हैं जी, ये देख ले, हाँ इसमें चीनी डाल रहे हैं। हाँ सारा करिए जो अलग है, आए गलत जो है पोस्ट। अरे मानू तो बोलिया से जो है ना जल्दी करे लगी भाई, फुलने भी करे डाल के पियो, डाल डाल के पियो। नमाज़े मगरिब जो है हमने अदा कर लिए आज, माशाल्लाह शरबत वगैरह पिया, उसके बाद जाके फिर थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन फिर तकरीबन 3:15 या 3:20 पे लाइट जो है आ गई थी, फिर मैं जैसे गया घर, कपड़े मैंने शुरू किए प्रेस करने, तकरीबन हमारे सारे कपड़े थे, सूट वो सारे मैंने प्रेस कर दिए,
अभी माशाल्लाह अभी सब कुछ हो गया, अभी जाके मगरिब की नमाज़ भी पढ़ी, असर भी हमने जमात के साथ पढ़ाई मैंने, अभी मगरिब की पढ़ के अभी जा रहा हूँ घर। बहुत ही थक गया हूँ यार, आज हद हो गई है। खैर बाकी बात इंशाल्लाह कल जुम्मे वाले दिन करेंगे, आज जुमेरात है। ये यहाँ पर वो पंछी पकड़ने आए, वो पक्षी तीनों शैतान। शबनम अभी तक गिर रहा है, तकरीबन दिन के 7 बज चुके हैं लेकिन अभी तक गिर रहा है। इतनी गर्मी हद से ज़्यादा है, रात को तकरीबन लाइट जो है नहीं थी, पूरी रात ऐसे ही तड़पते रहे कसम से। तकरीबन 2 बजे तक मेरी आँख नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही आँख लगती थी तो आँख में वो चला जाता था कीचड़, इसकी वजह से आँख फिर से खुल जाती थी, गर्मी वाला पानी, पसीने वाला पानी, तो उसकी वजह से पूरी रात आँख नहीं लगी। अभी जा रहा हूँ मैं मस्जिद, आज जुम्मे का दिन है तो आज मेरी तरफ़ से आपको, आप सब भाइयों को जुम्मा मुबारक, क्योंकि अभी ये वीडियो अपलोड होने वाली है, हो सकता है आप जुम्मे के टाइम देखें या जुम्मे के बाद ही देखें। तो खैर अभी चलता हूँ मस्जिद की, मस्जिद में चले जी सफाई वगैरह देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आज गर्मी ने तो हद कर दी है। अभी लाइट जो है वो आ चुकी है, खैर शुक्र है अल्लाह का, पूरी रात तकरीबन नहीं आई थी। रात तकरीबन सलीमा किस टाइम पे गई थी? 9:30 बजे। 9:30 बजे गई थी, तो जो आज तकरीबन किस टाइम पे आई है, अभी 9:19 हो गए हैं और लाइट खैर अभी आई है। चाहता हूँ पहले थोड़ी देर करते हैं आराम, क्योंकि लाइट के अलावा तो बंदा बैठ भी नहीं सकता कहीं पर, इतनी गर्मी है आज। खैर आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पर ख़त्म, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी, अपने अहल और अयाल के लिए भी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।